नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस। बंगोपसागर में पुणि एक लघुचाप प्रभाव में आज केन्दुझर मयूरभंज और सुंदरगढ़ में अति प्रबल बर्ष बुढ़ाबलों सुवर्णरेखा जलका नदी में आसपे बना सेपटे हीराकुद में खोलला दुईट गेट। पुणि अशांत पिपिली थाना परे माधीपुर मतदान केन्द्र निकटे फुटिला बोमा बोमा माड़ परे दुर्बृत्त फेरार भोटिंग पूर्व पिपिलीवासी भयर वातावरण। चौबीस घंटे ओडिशा रे 565 नुआ पॉजिटिव 18 वर्षरु कम 63 आक्रांत खोर्धारु सर्वाधिक 256 कटकु 61 संक्रमित पुणि राज्य में 5 जीवन नेला भाइरस। उरी ऑपरेशन रे सेना को बड़ सफलता लक्ष्यर जड़े आतंकी सफा जड़े पड़ा धरा पाकिस्तान रो पंजाब प्रांत आसीथिला आतंकवादी अली बाबर पात्रा 10 दिन में पंड हलाणी अनुप्रवेश षड्यंत्र। पंजाब कांग्रेस रे पुणि ट्विस्ट पीसीसी अध्यक्ष पदर इस्तफा देले नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिमंडल भी 4 मंत्री इस्तफा सेपटे सिद्धू को निशाना कले कैप्टेन कहले पूर्व से जड़े अस्थिर व्यक्ति। विश्व में बढ़ुची भारतर चाउल चाहिदा रप्तानी रे रेकर्ड कला भारत कोविड काल में भी रप्तानी बढ़ी 12% पड़ोशी देश सह आफ्रिकीय राष्ट्र को जोगाउछि चाउल। शेषे चलीगला बात्या देगला दुख गुलाब उजाड़ी देला मक्का फसल 300 एकर रु अधिक मक्का चाष नष्ट नवरंगपुर पापड़ाहांडी ब्लक्र असहज अवस्था अन्नदाता। एथर संपूर्ण खबर पुणि अशांत पिपिली पुणि पिपिली रे बोमा विस्फोरण मंगलवार बलंगा थाना रे बोमा फुटीला आउ आज माधीपुर मतदान केन्द्र निकट रे विस्फोरण माधीपुर छक रास्त बोमार अंश ठाब कर तेज बोमामाड़ पर दुर्बृत्त फेरार हो जाती आसंता पिपिली उपनिर्वाचन मतदान रही बुथ केन्द्र में पहुंची सारी ईवीएम मेसीन मतदान प्रस्तुति भी शेष पर्यायर किंतु पिपिली बजार ठारु 3 किलोमीटर दूर पिपिली जटणी रोड माधीपुर छक बोमामाड़ जहाँ भयरे पिपिलीवासी प्रथमे पिपिली बीजेपी ऑफिस रे बोमामाड़ होता यापर बलंगा थाना आउ एबे बर्तिनी मतदान केन्द्र पाख अंचल बंगोपसागर में पुणि एक लघुचाप सृष्टि आज केन्दुझर मयूरभंज और सुंदरगढ़ में अति प्रबल वर्षा यहाद्वारा बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा जलका नदी जलस्तर वृद्धि पाइबासह बना स्थिति उपजिपे यह व्यतीत देवगढ़ अनुगुल जाजपुर भद्रक बालेश्वर और ढेंकानाल आदि जिले में लघुचाप जनित वर्षा हेब आसंता सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और बरगढ़ आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होवार संभावना रही समय समुद्र अशांत थी मत्स्यजीवी समुद्र भितरक जवाक बारण हो 18 जिला पापाग विभाग जारी कर सतर्क सूचना अंपटे उबुटुबु अवस्था हीराकुद जलभंडार विपद संकेत 630 फुट रही बेले जलस्तर समान स्तर में पहुंची वर्तमान दुईट गेट दे जल निष्कासन होता बेले आहरी गेट खोल जाए फल वर्षा पुणि बना विपत्ति आनीपे आशंका। बाबद अधिक सूचना पर आम सहित संबलपुर आम प्रतिनिधि मलय भई जोड़ी होती मलय वर्तमान हीराकुद जलस्तर केमती रही विपद संकेत टपिला ना समान स्थिति देखो चिन्मयी आप जानते हैं गत काली पखापाखि हीराकुद जलभंडार जलस्तर 630 फुट को छुईला जितुक हीराकुद जलभंडार जलस्तर 630 रही बर्तमान 630 फुट जल बर्तमान समय पा जलभंडार पूरी रही अन्य कथा रहा है महानदी बर्तमान समय दुईट गेट पर्यायक्रमे खोल जाती गत काली दिन 11 गोटे गेट खुली और आज सकाले आउ गोटे गेट गेट खुली आखुवे आप हूँ हीराकुद जलभंडार तलिया अंचल दृश्य महानदी दृश्य दुईट गेट जोगे बर्तमान समय केते मात्रा जल निष्कासन जहाँ तथ्य जहाँ रही है पाखे जे पाखापाखि 46,126 क्यूसेक जल बर्तमान समय हीराकुद डैम को प्रवेश करछि अन्यपटे से सामान 46,126 क्यूसेक जल बर्तमान समय दुईट गेट जोगे हीराकुद जलभंडार निष्कासन कहीं जो आगामी जहाँ कहुचे पापा विभाग पक्षर जो कई घंटा भितर आसंता 30 तारीख भितर पुणी लघुचाप अच्छे वर्षा मध्य हे ये वर्षा यदि उपर मुंड छत्तीस हीराकुद जलभंडार उपर मुंड बर्षा हुए तो कौटिना कौटी हीराकुद जलभंडार को अधिक प्रबल प्रवेश कर
कर जलस्तर वृद्धि पाए कहीं जिते बेले बर्तमान समय जल पूरी रही तो ताकि दृष्टि रखी पर्याय क्रमे डैम रेट खोली पारती डैम करतृपक्ष आप देखते जो कहु येलो वारिंग जारी जदि वर्षा हुए अधिक गेट खोल जाए वर्षा न हो दुईट मात्र गेट मध्यम पानी निष्कासन किसी कर देखो चिन्मय गोटे कथा स्पष्ट करदेवि जितेबाला उपर मुंड जब वर्षा हो ये छत्तीसगढ़ वर्षा हुए कि बरगड़ जो रही भेडन ब्लक एपटे जो रही झारसुगुड़ा लखनपुर ब्लक कि सुंदरगढ़ ब्लक जब वर्षा हुए तो कौटे ना कौटे हीराकूद जलभंडार को आउ टे जल प्रवेश करें तो जितेबाला जदि अधिक मात्रा जल प्रवेश हीराकूद जलभंडार को कला तो निश्चित पक्ष कौटे ना कौटी हीराकूद डैम कर्तृपक्ष गेट खोलने बाध्य है जितेबाला फुल बर्तमान समय पानी पूरी कर रही आठू तो अधिका पा धरी पार नहीं कहीं या स्थित देखिए पापाग विभाग तथ्य तार कौन कौन तार रिपोर्ट कौन कौन स्थित किभल रही है वर्षा किभल हे ये जो वर्षा होबार अच्छे चौबीस घंटा भितर ये वर्षा कौन अंचल सातु निरीक्षण करेंगे तावर्त समय डैम कर्तृपक्ष निष्पत्ति ने जब उपर मुंडे वर्षा हुए तो कौटे ना कौटी जल जल प्रवेश वृद्धि पाए तो कौटे ना कौटी हीराकूद डैम कर्तृपक्ष गेट खोली पारती देखा एवं जो पा पूरी रही है तो दृष्टि रखी बर्तमान समय दुई टिकेट खोला तो निश्चित पक्षे गोटे आशा रहा देखा रहा है जितेबाला जो वर्षा हुए ये वर्षा कौ अंचल रही ये वर्षा जो ओडा हो जब हीराकूद जलभंडार तलिया अंचल तो कौन कौटे ना कौटी हीराकूद जलभंडार कौन प्रकार प्रभाव पड़े ना जब उपर मुंड वर्षा हुए तो कौटे ना कौटी हीराकूद जलभंडार को अधिक पा प्रवेश कर हीराकूद डैम कर्तृपक्ष बाध्य गेट खोलने गेट खोल जाऊँगी ताले तलिया अंचल गुड़िक बना परिस्थिति सृष्टि हो पारे। बहुत बहुत धन्यवाद मलय आपण तमाम सूचना पाई। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 565 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती एम 328 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय अंचल 237 जन पॉजिटिव चिन्हट होती 18 वर्ष कम वयस्क 63 जन शिशु और किशोर कोरोना पॉजिटिव अच्छा आज खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 256 आक्रांत या बेले कटकु 61 बालेश्वर 28 मयूरभंज 26 जगत सिंहपुर 20 और स्टेटपुर 56 जन पॉजिटिव चिन्हट होती राज्य में एवं भी 5513 सक्रिय मामला रही सेपटे राज्य में आउ 5 जन जीवन नहीं वायरस सुंदरगढ़ में खोलुछि जिला प्रशासन मिछ प्रचार सतगुमर पुणि थरे स्मार्ट सिटी राउरकेला मात्र 20 किलोमीटर दूर लाठिकटा ब्लक बिजुबंध गांव आसी हृदय विदारक चित्र पुओ को खावाक दे नपरबार बणाई अंचल जणक घरे मागणा खटापी छाड़ आसी माँ पाखरे एबे भी दुई झी अच्छा तीन वर्ष पूर्वे स्वामी छाड़ी गलापर घर बोझ माँ नीतिमा मुंडे उपरे पड़ी काम को गले घर चले चुली जले नहले भोकरे सुवंती समस्ते समस्त सरकारी योजनारु वंचित थिबा बळे गा मुंडरे झाटी उपरे पॉलिथिन टाणी रहुछंती नीतिमा ओ तांकर दुई झियो। ते बाबदरे अधिक सूचना पई आम सहित जोडी होछंती आम राउरकेला प्रतिनिधि अमिय परिडा जोडी होछंती। अमिय टिके दृश्य देखिबा एवं सेमानक विषय रे जानिबा जे वास्तविक ए कथारे केते सत्यता रहिछि। निश्चित भाव चिन्मयी आम जिते दृश्य देखू आपण आम दर्शक दर्शक भी जापर वास्तविक एक कथार के सत रही निश्चित जी भी ए दृश्य देखिबो ता हृदय कांदिबो कारण जो सुंदरगढ़ जिला प्रशासन और राज्य सरकार जो विकासर नारा विकासर धारा ये विकास नारे ही सीमित हो रही जाइए प्रत्येक दिन जब गोटे गोटे घटना सामना को प्रत्येक दिन ये जो सत प्रचार पक्ष जो मिछ गुमर रही से गुमर खुलबार रही केवल प्रचार प्रसार जो सीमित रही राज्य सरकार काम ये हूँ आम एचु से स्पट्रे जी हूँ लाठिकटा ब्लक रघुनाथपल्ली निर्वाचन मंडली जो निर्वाचन मंडली एवं विधायक अच्छा सुब्रत तराई तीन तीन थर से बीजेडी विधायक रही एरिया ये दृश्य आप देखुए कैमेरा पर्सन जो भिजुआल देखते ये गाँ रास्तु के दूर रे गाँ को आसवापी रास्ता ना बिल दे चली चली आसती आउ सबुठ भयंकर दृश्य सबुठ हृदय विदारक दृश्य हूँ गाँ मुंडार नीतिया मुंडारी घर ये हूँ घर जो भिजुआल आप देखुंट
ଏଠି ମଣିଷ ତ ରହିବା ଛାଡ଼ କୌଣସି ପଶୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଅନୁଭବ କରିବେ କେହି, କାରଣ ଝାଟି ମାଟିରେ ତିଆରି ଘର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଏକ ପଲିଥିନରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ଝାଟିରେ ଏ ଘରକୁ ଅବାଧରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନା, ଅଛି କବାଟ ନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା, ନା ଏ କାନ୍ଥରେ କାଦୁଅ ଲଗେ, କାଦୁଅର କାନ୍ଥ ନା ମାଟିର କାନ୍ଥ ନା ଇଟାର କାନ୍ଥ, ଝାଟିର ଘେରା ହୋଇଛି ଏ ଘର ଆଉ ତା ଉପରେ ପଲିଥିନ ଟଣା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ମାଆ ଛୁଆ ତିନି ଚାରି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ତ ଏବେ କହିବାନି, ଏବେ ତିନି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମାଆ ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ମାଗଣାରେ ଖଟିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ତା ମା ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋଟେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁନି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନିତ୍ୟା ମୁଣ୍ଡାରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି, ଏ କେବଳ ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସେ ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେମିତି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ନିଜେ କଟିକି ଖାଉଛି, କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଘର ଘର ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ଏଇ ମାସେ ହେଇଗଲାନି, ମୋର ଏଇ ଯୋଜନା ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ପୋଷି ପାରିବି ନାହିଁ, ତୁ ଯହେଲେ ବି ଚେଳି ଚରେଇକି ରହିବୁ, ପୋଷି ହେଇ ରହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ବଣେଇରେ। ପୁଅର 10 ବର୍ଷ ହେବ, ଝିଅଟା 12 ବର୍ଷ ହେବ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ 8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ କେବେଠୁ ଡେଥ କଲେ? 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ 3 ବର୍ଷ ହେବା ସ୍ୱାମୀ ଡେଥ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସେ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଆସିଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନର କୋହକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଚାପି ରଖିପାରୁନଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ଭରତ ମର୍ମୁ। କେବେଠୁ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ହେଲା 3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡା ଏମିତି ହେଉଛି। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ଚଳନ୍ତି? ଖାଇବା ପିଇବା ମାଆ ନିଜେ କାମ କରେ, ତାପରେ ଖାଇବା ପାଖକୁ ଦିଏ। ଛୁଆଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ବଣାଇ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କଥା, ଖାଲି ବଣାଇରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ? ଏଇଠି ଲାଇନ୍ର ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା କୋଡ଼ର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୋଟେ ଥିଲା କୂଅ, ସେଇଠି ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନ ଭରିଯାଏ, ହେଲେ ବି ବାଧ୍ୟ କରିକିନା ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଚିନ୍ମୟୀ, କେବଳ ନିତ୍ୟା ମୁଣ୍ଡାରେ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଅଛି, ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ କହୁଛି, ବିକାଶର ଧାରା ଯେଉଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତର ବିକାଶ ଦେଖିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, 3-3 ଥର ଜିତିଲେଣି ମଧ୍ୟ, ସେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 3-3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ, ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାଗରିକତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା, କ'ଣ ବିଧାୟକ କେବଳ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ? ବିଧାୟକ କେବଳ କେମିତି, ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେବା କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କିମ୍ବା ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ?
निश्चित भाव चिन्मय सबुठ बड़ दुख ता सबुठ बड़ दुर्भाग्य गाँ लोक से कारण ये गाँ ना ब्लक आसूची ना अन्न कौर आसूची केवल एमने जो निर्वाचन हुए जो पांच वर्षर थे जो निर्वाचन हुए से निर्वाचन बेले केवल एम एल ए निर्वाचन में भोट सब्यस्त करती निजर मताधिकार सब्यस्त करती ना गाँव में प्रपर अंगनवाड़ी अच्छी ना शिक्षा शिक्षा केन्द्र अच्छी ना कौन प्रकार स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी समस्त प्रकार मौलिक सुविधा सुविधा ना सरकारी सुविधा निश्चित भाव में अंत आशा कर सरकार दृश्य देखु एवं जो विकास डिंडीम पिटुचार परखंतु कारण से विकास हुए जिते सीढ़ीर शेष पहाच लोकर उन्नति हुए बहुत बहुत धन्यवाद अमी आपंकर तमाम सूचना ढेंकानाल जातीय राजपथरे हाथीपल हलदिया बाहाल अंचल हाथीपल रास्ता पार होथिबार दृश्य देखा मिली 32 टिकिया हाथीपल आज रास्ता अतिक्रम करुथिबा बेले किछि समय पई रास्तार उभय पार्श्वरे जानवाहन अटकी रही थिला। वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल हाथीमानंकु घोडाइबा पई उद्यम जारी रखिथिले। एही हाथीपल गत किछि दिन हेबा आखपाख अंचल उत्पात चलाइछंती। एबे संप्रुक्त हाथीपल निकटस्थ निमिधा जंगल अंचल थिबा सूचना रहिछि। नवरंगपुर उमरकोट हाथी गाँव में हाथी आतंक गाँव में पशि आतंक खेलाई हाथी गतकाल रात छत्तीसगढ़ गरियाबंधर सालेभटा जंगल हाथीपल ओडिशा जंगल दे हाथी गाँ भर को प्रवेश कर सारा राति ओडिशा जंगल रे तांडव रचा सहित मका फसल नष्ट राति तमाम हाथी गाँव में रहा सका समय पुणी छत्तीसगढ़ जंगल को फेरी जाते खबर पाई रायघर वन विभाग एक टीम हाथी गाँ संरक्षित जंगल को क्षयति आकलन कर ढेंकानाल कंकड़ाहाड़ तहसील अधीन बिरी बोलाई गांव गोचर जमी को जबरदखल मुक्त करने को दावी उपजिलापाल अभियोग न शुणवर आज भेजिया शिव मंदिर निकट में जातीय राजपथ 149 को अवरोध कर ग्रामवासी गांव गोचर जमीन जड़े व्यक्ति गृह निर्माण करोध कर लोके उक्त जमी विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यपाई सेठार एक पार्क निर्माण पर प्रस्ताव दी सुंदरगढ़ गुरुंडिया थाना सोलो गाँव में अमानवीय कांड 6 वर्षर नाबालक को आक्रमण कर फोपाड़ी पलाइले दुर्बृत्त गुरुतर अवस्था शिशु को उद्धार कर बुर्ला डाक्तरखाना भर्ती करी स्थानीय लोके सांगों सह खेल जाए घर को न फेरबारु गुरुंडिया थाना एतला देते परिवार लोके पुलिस और ग्रामवासी बहु खोजाखोजी करिबा परे एक धान बिलरु शिशु को मुर्मूष अवस्था उद्धार करथिले। आठगढ़ पुणी समवाय दुर्नीतिर अभियोग एथर बड़म्बा ब्लक जोड़ुम पंचायत सोसाइटी रे घोटाला अभियोग आसुछि अभियोग आणिबा सह कार्यानुष्ठान दाबी रे आठगढ़ उपजिलापालंक ऑफिस आगरे धारणा रे बसिछंति शताधिक चाषी तेबे पुणी थरे आठगढ़ रे समवाय दुर्नीतिर अभियोग होइछि एथर किंतु आसुछि बड़म्बा ब्लक जोड़ुम पंचायत रु बा सोसाइटी रे घोटाला होइथिबा अभियोग आणुछंति चाषी अभियोग आणिबा सह कार्यानुष्ठान दाबी रे आठगढ़ उपजिलापालंक ऑफिस रे शताधिक चाषी धारणा बसिंटे बाबद अधिक सूचना पाई आठगढ़ को जवा से आम प्रतिनिधि सुशांत आम सहित जोड़ी होती सुशांत चाषी कौन अभियोग हाँ देखो चिन्मय आम जदि कह आठगढ़ पर बर्तमान बड़म्बार समवाय दुर्नीति देखा मिली आम जहाँ कहीपर जो बांकी सेवा समवाय समिति रही बांकी केन्द्र जो जोड़ुम रही जोड़ुम सेवा समवाय समिति में व्यापक घोटाला होता चाषी मैंने अभियोग कर सीधा चित्र देखिपे ये रही आठगढ़ उपजिलापा कार्यालय सम्मुख जहाँफल जोड़ुम जो चाषी मैंने रही सीधा सड़क आसी ये जरी पाल पारि धारणा बस पचार बुझा भाई कह कौन हो आज कौन पाई एटा आस बस आमर लोन नहीं नु अथच लोन लक्ष लक्ष टा पड़ी बहरे 8 लक्ष 9 लक्ष टा ट्रांजाक्शन होती अथच 50 लाख से टेबुल चेयर बाड़ेना कहते आमर किए कौन कर कह आम कि एक्सप्लेनेशन देवुनि तो आम पासबुक चेकबुक सब से रखी थे तो कल आने देख ला बेलू 1.5 लक्ष 2 लक्ष टाला सब होती एमती सब होती
ऋण जालियाती करछन तापर ब्रांच मैनेजर सहित देखा करथिलु तो ब्रांच मैनेजर ये पासबुक अपडेट कलेनि कि देलेनि तो से माने कहले मैनेजर कहले कि जहाँ गोटे होइछि फाइनल कर दबा एवं फाइनल कर दबा तो आज पुनि ब्रांच डायरेक्ट बंद कर दैछन्ति तो सेथि में हमें धारणा दैछु आ पैसा को कहबे केन देखछन्ति आज्ञा बर्तमान आमर बार मसीहा ठारु जोड़ुंग सोसाइटर टंका कृषक मान हड़प चली हड़पे आम से पाखक जीवर आम बही मागर दौना दीर्घ बार वर्ष होगा तेणु आम कल जा बही आने से आमको कहले तुम्हें आम कि करना कि चाषी मैंने अंतसंत होगा द्वारा यार विहित कार्यानुषान निम्ते आम जिलापा जनवाक बर्तमान आठगर आसीचु यांकर जो सोसाइटर डायरेक्टर अच्छा बांकी से यार पदकेप भी किसी नौना कारण कौन तार विहित कार्यानुषान कर भाई कहते समय आसिले धारण बस कौन न्याय चाहते दु घंटा आलु दि घंटा आलु बर्तमान आम दस हजार चारिश आनी आमर लक्ष लक्ष टा कर बैसी बर्तमान आम गरीब लोक मरीज आज्ञा है तापरे आपण जहा मोर ये करिवे कोनो विचार करिवे आ कोन कहि भाई केन दिसछ आई एम प्राय 10 15 हजार लोन आनिथिलो मोर लखे 82 हजार लोन होईची से माने ब्ला हेती लेकी किनेटा पेपर रस्कत आगवा नसुबी नै केत्ते टंका कोन पके जे उठेकी से हडप करसुबी सर पंचायत तो हड़ब भत्ता टूटो भत्ता इंदिरावास सब आम पंचायत दुर्नीति चली गरीब लोक तीस हजार चालीस हजार नदे इंदिरावास पा ना जो समवाय समवाय बैंक एम तो दुर्नीति अच्छी धान ठू बेपारी धान देते चाषी धान दे पारे से बेपार कर सोसाइटी जो बैंक मैनेजर अच्छे मणिया बंध सी बहुत दुर्नीति कर सीए सेक्रेटरी गोपाल बेहरा चेक ब्लाक आम गोटे नहीं कि सी मन के दस पंद्रह नहीं कि सी मन के उठे आम जापर पैसा आते आम मोबाइल नंबर मागबू सी कह मोबाइल नंबर कौन हम मोर मोर लक्षे बयाशी हजार दुर्नीति मुझ जमा दस हजार लोन आनी देखो चिन्मय आप सीधा सब शुणीपारे चाषी मैंने जो कथा कहते सीधा सब मुझे देखा चाहे कैमेरा पर्सन अनुरोध करी देखे ये जो चेक रही ब्लांक चेक रही पाखे जहाँफल से चाषी ठू लुट कर चाषी सहित आलोचना चाषी मैंने के मात्र टाइम उठी आ प्रथम एने की जन हाँ हाँ सीधा पत्र भाई कहे आपले आपंकि दुर्नीति बाबद क्या जन आठ मस ते आम जानलु आठ मस ते जानलु यहाँ कम से करपर आम आम पु थे गला पाक पचारा कला एमती कौन ताकूक करपर सी सब गाँ लोक समस्त की कहले कले पिले इन घटना सी करुची आउ तुम्हें चल आम जा कलेक्टर अफिश की जी कि ना बांकी जीवा आठ गड़ा आसिक रही आस बस आठ मस है सी कह कला तुम टा सब छाड़ हो गला पंदर वर्ष जान लु अथच किसी कुजी नेता अच्छा बीजेडी से माने केस टाक चापिकिना रखुंट तो से माने माने टोटाल जदि गोटे गरीब लोक जीव तापाई अथच ये ना से माने पासबुक रे पैसा उठेकिना ये माने खाऊ तो प्राय 6 कोटी टका रे घोटाला है शुणुले के भाव में चाषी कहते 6 कोटी टकर घोटाला पाखापाखि आउ जो चाषी अच्छा सीधा सख प्रतिक्रिया निर्तमान कौन करेंगे जेहेतु अधिकारी मान को जनावान शुणुना कि बर्तमान कौन चाहते क्या बाबद जनवाई चाहते कौन कहे भाई आप जन कौन न्याय चाहिए आज मुझे 13 मसीह 10 हजार आनी एबे मो झी बाहर को मगिली कहली मत गोटे ऋण करदे मत मना कला मना कले सत्ते खाता मगिली मो पास बहदे से कि मत मना कला 50 थर ताक मागि थी मत मना कला कला पास बह हजि जाए पाटितुंड कर पास बही देखा बेलू मोर हाथ 92 हजार टाँह पड़ी
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 10,000 ନେଇଥିଲି 13 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 92,000 ମୋର ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସୁଝିବି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ସୁଝିବି କେମିତି? ଏ ଖାତା ଆଜ୍ଞା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି କାଲି ଦେଇଛି, ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଦେଲାନି, ଏଇମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଏଇମିତି ରସିଦ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦସ୍ତଖତ କରେଇକି ନେଉଛି, 15-20 ରସିଦରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁ, ତା ଭିତରେ ସେ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଉ ଖାତା ବା ବହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 80,000, 70,000, 20,000 ଏଇମିତି ସବୁ ସେ ଲୋନ୍ କରିକି ଉଠେଇଛି ପଇସା। କେବଳ ଯେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ, ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଇଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଘୋଟାଲା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବା ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲୁଟାଯାଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏମାନେ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି, କଂଗ୍ରେସରେ କନ୍ଦଳ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା, ସଭାପତି ହେବାର ମାତ୍ର କେଇ ଦିନରେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସିଦ୍ଧୁ। ନିଜ ଇସ୍ତଫା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପତ୍ର। ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି, କଂଗ୍ରେସରେ କନ୍ଦଳ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସିଦ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ବୋଲି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧୁ। ତେବେ ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ, ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନି। କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସିଦ୍ଧୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦା ହଟିପାରିନି। ପଞ୍ଜାବରେ ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ସେ ନିର୍ବାଚନର ଭାରକୁ ବା ବିଜେପିକୁ ଏକୁଟିଆ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲା, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେତେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ନଥିଲା, ତ ଏଭଳି ଏକ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କରିଥିଲା ସେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉ ପଶା ଖେଳିଥିଲେ ସେ ପଶା ଆଜି ପଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳ ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଭରସା କରିକିରି ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଟି କରି ଚଳେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟି ଆଜି କାମ ଦେଇନି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ, ସେ ଗୋଟି ସିଧା ପଶା ପାଳିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଚନ୍ନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନରେ ସିଦ୍ଧୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ସେପଟେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧୁ ଜଣେ ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ତଳେ ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ସିଦ୍ଧୁ ମୈଁ କହି ରହା ହୁଁ କି ଅନଷ୍ଟେବଲ ତୋ ଉସକୋ ନେ କୋଇ ରିଆକ୍ସନ ତୋ ହୋଗା ହି କ୍ୟା କହା ହୋଗା ମୈନେ କିସୀ କୋ କୁଛ ନହୀଁ କହା। ସେପଟେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ସୋନିଆ ରାହୁଲଙ୍କ ମିଟିଂ, ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ, ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଖୁଦ୍ ଅପନି ଚାଲବାଜି କି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମେ ଚକନାଚୁର ହୋ ରହି ହେ, ଔର ୟେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହେ ଜିସନେ କି ଜିସକି ନୀତିଆଁ ଔର ଜିସକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଔର ଜିସକେ ନେତୃତ୍ୱ ପୁରି ତରହ ସେ ନକାରାତ୍ମକତା ସେ ଭରପୁର ରହେ ହେଁ। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଦଳକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବନି ତ, ଏନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।